तो प्यारे बहन भाइयों, माशाल्लाह ये मैं लेने आया हूँ ईंटें, कच्ची ईंटें हैं जी। ये इसी जो बर्तन इसमें डाल दिए हैं ईंटें, तो वही बन रहा है मेरा घर। ये जी बन रहा है मेरा घर। तो ये यहाँ से ईंटें लेकर जा रहा हूँ, यहाँ ईंटें फालतू पड़ी थी, हैं तो कच्ची लेकिन हमारा गुजारा कर जाएंगी। इनकी दीवारें मुकम्मल करके प्यारे बहन भाइयों, तो बाहर से लिपाई कर देंगे। ये कोई वीरान जगह है तो उसी भाई से हमने ली हैं। उसने कहा भाई आप तोड़ लो, ये कुछ गिरा दी हैं, अभी कुछ गिराना बाकी हैं। तो गिरा कर इन्हें लेकर जा रहा हूँ मैं। प्यारे बहन भाइयों, माशाल्लाह यहाँ आए हुए हैं, यहाँ पर लगी हुई है ट्यूबवेल पानी की, और ट्यूबवेल भी आपको दिखाते हैं, और साथ साथ ये अंदर टमाटर भी लगे हुए हैं। ये देखें जी, एक बूटा है टमाटर का, अभी टमाटर काफ़ी कच्चे हैं। ये देखें जी माशाल्लाह, ये जब पक जाएंगे तो ये कीकर का दरख्त भी लगाया हुआ है, और ये आपको यहाँ आए हुए हैं नहाने के लिए। तो ये है जी ट्यूबवेल, टंकियां लगी हुई है माशाल्लाह। ये देखें अभी गर्मी काफ़ी है, काम कर कर के यहाँ नहा कर फिर घर जाएंगे। तो प्यारे बहन भाई, माशाल्लाह जैसा कि कह रहे थे कि काफ़ी तेज़ आंधियाँ आती हैं, और ऐसा ही हुआ। ये देखें जी बारिश और आंधी भी माशाल्लाह आ गई, अभी काम कर ही रहे थे। ये देखें जी माशाल्लाह काफ़ी तेज़ आंधी है। ये देखें घास के काम, मौसम तो ज़बरदस्त बन गया है, लाइट भी चली गई है, हर तरफ धुआं ही धुआं नज़र आ रहा है। बारिश आ रही है, भागो भागो, घास डालो जानवरों को। ये देखें जी माशाल्लाह काफ़ी तेज़ बारिश आ रही है, और जानवर भी बांधे हुए हैं। ये देखें जी माशाल्लाह काफ़ी भागे हैं, वहाँ काम कर रहे थे तो काफ़ी घटा छाई और अचानक बारिश शुरू हो गई। तो ये सजाद भाई घास लेकर आए थे, वो भी अभी लादा हुआ है मोटरसाइकिल पर, तो मैं घास लेकर आया हूँ, वो भी यहीं पड़ा हुआ है। तो बारिश काफ़ी बाहर तेज़ आ रही है, तो अभी जानवर भी इंतज़ार कर रहे हैं कि कब हमें चारा मिलेगा। काफ़ी भागा हूँ तो मुझे, मेरी सांस भी हल्की हल्की फूली हुई है। ये देखें जी माशाल्लाह, मौसम तो काफ़ी सुहाना हो जाता है जब बारिश आती है। ये देखें
तो माशाल्लाह प्यारा दान भाई, वो ईमान की बकरी का जो बच्चा था वो मिल गया है, वो था रिहाना भाई के घर में, वो साथ ही आपको पता है कि घर है, तो वो वहीं भाग गया। बादशाह उसने देखा कि बारिश आ रही है तो वहीं भाग गया, वहीं अपने जानने में आफियात जानी। तो जुवेद भाई के घर में गया तो मैंने कहा देखो मेरा बकरी का बच्चा तो नहीं आया हुआ। उसने कहा नहीं भाई, हम तो वीडियो बना रहे हैं, यहाँ पर यहाँ पर देख लो, वहाँ भी चला जाता है। यहाँ था ये ब्लीचिंग का पानी, तो वो उसने पी रखा था, तो ये डर था कि कहीं मर खप ना जाए। तो ईमान काफ़ी रोने लगी, तो इसी वजह से मुझे इसने कहा, मुझे इसने बैठने नहीं दिया, मैंने कहा जाओ और तो जाओ अबू अबू से ले आओ। तो ढूंढते ढूंढते ये मेरा अशर हो गया है बकरी के बच्चे को ढूंढते ढूंढते। ये सारे ईमान के काम है, मैं आपको बता रहा हूँ। इसने उसे छोड़ा था तो वो काफ़ी मुश्किल, बड़ी मुश्किल से मुझे मिला है।